हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के कई पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ पकवान ऐसे भी होते हैं जिसके स्वाद को कई बार लेने के बाद भी मन नहीं मानता। एक ऐसा ही पकवान है पुआ और काशी फल की सब्जी। बात की जाए राजस्थान के करौली की तो यहाँ हर बड़े से बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में यह पकवान प्रसादी के रूप में परोसा जाता है। यहाँ तक कि कई पार्टियों सहित मेहमानों की आवागत में भी यह दावत परोसी जाती है। यहाँ हर उम्र के लोग पुआ और काशी फल की सब्जी के दीवाने हैं। जी बताइए, करौली में जो ये पुआ और काशी फल की जो सब्जी बनती है, जिसको लाखों की भीड़ में प्रसादी पाने के लिए लोग जाते हैं, इसके बारे में बताइए। संस्कृत भाषा में इसको अपूर्व कहते हैं। पुआ और खीर और राम कोयला की सब्जी यज्ञ ज्ञातक में बनाई जाती है प्रचुर मात्रा में, और इस प्रसाद को लेने के लिए विभिन्न विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं और ये सुलभता पूर्वक बन जाती है। दूसरा इसका धार्मिक महत्व तो ये है कि अपूर्व दान का मलमास के अमावस्या को दान करने से इसमें जितने क्षेत्र होते हैं उतने ही हजार वर्ष तक व्यक्ति देवलोक में निवास करता है। समस्त पापों को दूर करने वाला है ये, और समस्त संपत्ति को वृद्धि करने वाला है, और धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है। पुआ और काशी फल की सब्जी पितृस्वरों के निमित्त भी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। इससे पितृश्वर प्रसन्न होते हैं एवं यज्ञ ज्ञाधिक में ये प्रचुर मात्रा में और बहुत बहुतायत से बनाई जाती है। ये इसका पुए का महत्व है।